नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के बाद से मध्य पूर्व में वातावरण बहुत गर्माया हुआ है, बहुत तनावपूर्ण है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की गई है और उससे ईरान में उथल पुथल है। ईरान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है, इस तरह की आशंका बनी हुई है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद और दूसरे तरह की कार्रवाई हो सकती है और उससे पूरे मध्य पूर्व का वातावरण बिगड़ सकता है, वहां जंग का माहौल बन सकता है। तो ये आशंकाएं पूरे मध्य पूर्व पर मंडरा रही थी, लेकिन ईरान ने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत धैर्य के साथ इसका जवाब दिया है। और जवाब ये दिया है कि फिलहाल वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बदला लेना है उसको, लेकिन उसके लिए वो इंतजार करेगा और सही वक्त आने पर वो अपना जवाब देगा। तो ईरान ने समझदारी ये क्यों दिखाई है, इस पर भी हम आज बातचीत करेंगे। और क्या इस ईरान के इस रवैये के बाद क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहीं चुप बैठ जाएंगे या इसराइल क्या यहीं चुप बैठ जाएगा, ये देखने की बात है। और कहीं एक नए हमले की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है परमाणु वैज्ञानिक की हत्या की, उसका मकसद ये था कि ईरान को भड़काया जाए। तो ये भड़का ईरान चूंकि भड़का नहीं है और उसके बाद कार्रवाई करने का बहाना डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है, तो आखिरकार अब वो क्या कर सकते हैं, आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। निवेदन ये है कि हम गोदी मीडिया के चरित्र को भली भांति जानते हैं, वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है और हमें गुमराह करता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दें, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से पूरी सदस्यता योजना का ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप कोई भी सदस्यता अपने लिए चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि sathhindi.com को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। वापस लौटते हैं मुद्दे पर। ईरान ने अपने सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के बाद बहुत ही संयम का रुख दिखाया है। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, उसके मायने बहुत साफ हैं। ईरान देख रहा है कि अमेरिका में 1.5 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जो बाइडेन चुनाव जीत चुके हैं, 20 जनवरी को वो शपथ ले लेंगे। और चूंकि जो बाइडेन की अपनी जो विदेश नीति है वो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल उलट है, यानी जो न्यूक्लियर डील ओबामा के दौरान हुई थी और जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े देशों ने अपनी सहमति जाहिर की थी, सहमति दी थी, उस न्यूक्लियर डील को डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया था। और जो बाइडेन कह रहे हैं कि जब वो वापस लौटेंगे तो उस डील को रिवाइव करेंगे, यानी वो न्यूक्लियर डील फिर से आ जाएगी। और न्यूक्लियर डील अगर होती है तो ईरान को बहुत सारी राहतें मिल सकती हैं, क्योंकि उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया है, उनमें छूट मिलेगी और ईरानी जनता को राहत मिल सकती है, क्योंकि वो बहुत सारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनमें दवाइयां भी शामिल हैं उनसे महरूम हो रही है, उसे दिक्कत हो रही है। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात यह है कि ईरान ये भी जानता है कि अगर वो जवाबी कार्रवाई करेगा, आक्रामक कार्रवाई करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंतज़ार है कि वो किसी भी तरह से उसके न्यूक्लियर ठिकाने को टारगेट करें, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो हमला कर सकते हैं। और अमेरिका से भिड़ना कोई समझदारी नहीं होगी, इसलिए इस समय चुप बैठना बेहतर है। तो ये सब जानते हुए कि ये कार्रवाई जो हत्या हुई है वो इसराइल की मोसाद नामक जो खुफिया एजेंसी है जो कुख्यात है इस तरह की हत्याओं के लिए, न केवल ईरान में बल्कि फिलिस्तीन में भी, फिलिस्तीनी नेताओं की हत्याओं में भी शामिल रहा है और दुनिया में कई जगह उसके ये जो कुकर्म है उसकी छाप देखी जा सकती है। बहुत कहना चाहिए कि मोसाद और CIA ये दोनों मिलकर ऑपरेशन कर रही हैं। और ईरान के ये पहले वैज्ञानिक नहीं थे जिनकी हत्या हुई है, 2007 से ये सिलसिला चल रहा है। 2010 से 2012 के बीच में 4 वैज्ञानिकों की हत्या हुई, फिर 2015 में एक वैज्ञानिक की हत्या हुई, 2018 में फिर एक वैज्ञानिक की हत्या हुई। और ईरान को पता था कि फखरीजादेह इसराइल के निशाने पर हैं, क्योंकि
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बाकायदा 2018 में एक प्रेजेंटेशन में इनका नाम लेकर कह चुके थे इस नाम को याद रखा जाना चाहिए। तो ये सबको पता था कि फखरीजादे निशाने पर हैं, उनकी सुरक्षा की पूरे इंतज़ाम अपने तय ईरान ने किए हुए थे, लेकिन मोसाद के बारे में हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल रखती है हत्या करने के मामले में। तो राजनीतिक हत्याएं और इस तरह की हत्याएं उसकी एक्सपर्टीज का हिस्सा है और वो ये करती रही है। तो अब जबकि ये अपने वैज्ञानिक को खो दिया है तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन और ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए ईरान ने फिलहाल अपने कदम रोक रखे हैं जवाबी कार्रवाई से। वो ये भी जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहाना ढूंढ रहे थे और अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो उनको बहाना मिल जाएगा, जो कि अब नहीं मिल पाया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के शख्स हैं, जिस तरह का उनका चरित्र है और जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो ईरान पर हमले करने की एक योजना बना चुके हैं, वो चूंकि वहाँ के रक्षा तंत्र ने उसके लिए हामी नहीं भरी इसलिए रुक गए थे। ये इस कार्रवाई को आधार बनाकर निश्चित रूप से वो इस तरफ स्ट्राइक की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ है। लेकिन अब आगे वो ऐसा नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो लगातार इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे। तो ईरान को इंतज़ार है 2021 में जनवरी में जब सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा और जो बाइडेन आएंगे न्यूक्लियर डील को रिवाइव करेंगे, और चूंकि यूरोप के देश भी उनके साथ हैं इसलिए उसको रिवाइव होने के बाद ईरान को काफ़ी राहत मिल जाएगी। और अभी तक इसराइल को जितना ट्रंप प्रशासन की तरफ से मदद मिलती रही है, इसराइल लगातार उसके हौसले बढ़े रहे हैं। इसराइल ने ट्रंप प्रशासन की वजह से ही बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं इस दौरान पिछले 4 साल, जो कि ना तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के हिसाब से ठीक हैं, और उनकी निंदा भी हुई है, उनकी भी निंदा हुई क्योंकि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में उन्होंने जो अनधिकृत कब्जा करने की कोशिश की है उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो मुहर लगा दी। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका का जो दूतावास है वो तेल अबीब से हटाकर यरूशलम में कर दिया, क्योंकि इससे वो संदेश देना चाहते थे कि यरूशलम जो है वो इसराइल का हिस्सा है, जबकि यरूशलम को लेकर विवाद है फिलिस्तीनियों के बीच में भी और इसराइल के बीच में, और उसका कोई निपटारा नहीं हुआ है, उसको विवादग्रस्त माना जाता है। तो ट्रंप की शह पर बेन्यामिन नेतन्याहू लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, न फिलिस्तीन को उन्होंने कोई रियायत दी है और न ही वो मध्य पूर्व में अपने जो व्यवहार है उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। तो अब जब ट्रंप नहीं होंगे तब इसराइल क्या करेगा? तो ये एक ऐसा मौका आने वाला है ईरान के पास जब वो अपनी बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे रख सकता है और इसराइल को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का सहयोग हासिल कर सकता है। तो ईरान का जो नेतृत्व है वो इसी दिशा में देख रहा है, लेकिन ट्रंप जो हैं वो किस दिशा में देख रहे हैं, बेन्यामिन नेतन्याहू जो हैं वो किस दिशा में देख रहे हैं, और ये दोनों जो मिलकर मध्य पूर्व की राजनीति को उसके पूरे नक्शे को बदल देना चाहते हैं, जो लगातार कोशिश हो रही जिस तरह से अभी इसराइल और जो अरब देश हैं उनके रिश्तों में बदलाव की कोशिश की है, उसमें कई अरब देश इसराइल के साथ अपने संबंध बदलने सुधारने सामान्य करने की दिशा में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी नरम पड़ गया है। तो एक तरफ तो इस तरह से एक गोलबंदी की जा रही है जिसमें ईरान अलग थलग पड़े और अरब और इसराइल के बीच का ये जो कॉम्बिनेशन है वो उसको काउंटर करेगा। लेकिन अगर जो बाइडेन आते हैं मतलब आएंगे ही, और जो बाइडेन के आने के बाद इसराइल का जो महत्व है वो मध्य पूर्व में कम होता है या उसको उस तरह से वाशिंगटन से मदद नहीं मिलती है, सहयोग नहीं मिलता है, तब एक दिक्कत खड़ी होने वाली है। हम डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र को जानते हैं, वो थोड़ा नहीं काफ़ी नस्लवादी स्वभाव के हैं, और वो यहूदी
लॉबी उनको पसंद करती है, उनका सहयोग करती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है नेतन्याहू और ट्रंप का, वो इसीलिए बना हुआ है और उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आगे बढ़ाना अब संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि चुनाव हार चुके हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इसको इस तरह से इतना पेचीदगियों से भर दिया जाए कि जो बाइडेन के लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाए, जो बाइडेन आए और उलझ के रह जाए। ये जो बाइडेन बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी भली भांति जानती है, उनकी प्रतिक्रियाएं जो आई हैं उनमें इसको पढ़ा जा सकता है। जो उनके विदेश मंत्री होंगे उन्होंने इस हत्या का कहना चाहिए एक तरह से विरोध किया है, आश्चर्य प्रकट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो ओबामा प्रशासन में इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे या जो CIA के चीफ थे, उन सब के बयानों को भी देखा जाए तो स्पष्ट तौर पर किसी ने भी इस हत्या को जायज नहीं ठहराया है, सही नहीं ठहराया है। इसका मतलब है कि पूरा जो प्रशासन, जो बाइडेन का प्रशासन इसराइल के खिलाफ और ईरान के पक्ष में खड़ा हो रहा है। और ये ईरान के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? ठीक है, उसने अपना एक वैज्ञानिक खोया है, बड़ा वैज्ञानिक खोया है, लेकिन अगर वो ट्रंप से भिड़ेंगे या इसराइल से अभी भिड़ेंगे तो नुकसान और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि जो 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है उसका इस्तेमाल करें और ट्रंप को हमला करने का कोई मौका ना दें। ट्रंप निश्चित रूप से, इसराइल भी, नेतन्याहू भी अभी और कोशिशें करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, कुछ छोटे मोटे हमले हो सकते हैं, कुछ और हत्याएं हो सकती हैं ताकि ईरान के अंदर एक विरोध एक पैदा हो, सरकार पर दबाव बने और वो आक्रामक कार्रवाई करके जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए। ये कोशिश अभी भी होगी, 1.5 महीने का वक्त कम नहीं होता है और इन 1.5 महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ऐसा बहुत सारे खेल ईरान के खिलाफ इस तरह का चक्रव्यूह रचने की कोशिश करेंगे। ईरान उसमें से कैसे निकलता है ये देखने की बात होगी और क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के जो हमले की योजना है उससे बच पाता है या नहीं बच पाता है, या डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा आधार, कोई ऐसा बहाना ढूंढ पाते हैं जिसके बल पर वो अपनी रक्षा तंत्र से ईरान पे हमले की सहमति ले लें, उसको तैयार कर लें उसके लिए। ये हो पाता है या नहीं हो पाता है ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इन 1.5 महीनों में अभी हमें ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में काफ़ी टकराव की संभावनाएं दिख रही हैं और ये टकराव हिंसक भी हो सकता है, जंग की तरफ भी ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।